ये आपको दिया हुआ है CHO दो, मतलब बेंजीन रिंग पे दो CHO के ग्रुप जुड़े हुए हैं और दो CHO के ग्रुप के साथ एक NO2 ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, दैट इज द माइनस एम इफेक्ट जो कि लगाएगा CHO पे। ठीक है, यहाँ आपको बेस दिया हुआ है OH-, और इस OH- को हम लोग कहते हैं कंसंट्रेटेड बेस। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, कंसंट्रेटेड बेस। और ये जो रिएक्शन है, एक्चुअली में जो रिएक्शन है ये होगी कैनिजागो रिएक्शन, क्योंकि इसमें कोई अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये होना चाहिए कि यहाँ पे कोई अल्फा कार्बन भी नहीं है और कोई अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है, तो रिएक्शन कौन सी होगी, कैनिजागो रिएक्शन। और इसमें हमेशा हमेशा क्या बनता है, एक तो अल्कोहल बनेगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही पोजीशन पे क्यों दो CHO आपको दिए हुए हैं, तो एक से अल्कोहल बन जाएगा और एक से कार्बोक्सिलेट बन जाएगा। तो आंसर इसका जो होना चाहिए दैट विल बी द बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो ये वाला आंसर हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसमें देखते हैं, क्योंकि यदि आप यहाँ पे CWO- के केस में यदि हम लोग देखें तो मैंने पैरा पोजीशन पे क्यों NO2 लिया है, मतलब ये वाला जो CHO है ये किस में कन्वर्ट हुआ है, CWO- में कन्वर्ट हुआ है। क्यों ऐसा किया है, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में यदि हम लोग देखें तो NO2 यदि इसके पैरा पोजीशन पे होगा तो पैरा पोजीशन पे होने की वजह से इस पे कौन सा इफेक्ट लगाएगा, पैरा। ठीक है, पैरा पोजीशन पे होने की वजह से इसमें माइनस एम लगाएगा, यदि हम इसको CWO- में कन्वर्ट कर देते तो माइनस आई ही लगाता, तो एनायन की स्टेबिलिटी इसके कंपैरिजन में थोड़ी क्या हो जाती, कम हो जाती। तो ये वाला लॉजिक हमें यहाँ पे लगाना है और स्टूडेंट्स को बताना है। ये वाला तो कैसे भी नहीं हो सकता था, दोनों पे CH2OH पॉसिबली नहीं है। यदि हम लोग इसमें देखें तो CHO और एक CWO- में कन्वर्ट होगा तो ये तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया, क्योंकि एक एल्कोहल बनता है और एक यहाँ पे CWO- के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ठीक है, यदि हम लोग इसको देखें CWO- तो यहाँ पे यदि इसके केस में हम लोग देखें तो ये कौन सा पोजीशन है, मेटा, और मेटा के केस में यदि हम लोग देखेंगे तो ये कौन सा इफेक्ट लगाएगा, माइनस आई, जबकि माइनस एम इज मोर डोमिनेटिंग होता है किसके केस में, माइनस आई से। क्लियर है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन है वो आया है ऑप्शन बी, इसलिए ए ऑप्शन भी क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है ड्यू टू स्टेबिलिटी।